हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो कि हमें क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यू करना है। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे x माइनस 8x बाय 3 और माइनस 5x बाय 2 वेरिएबल हैं और 17 बाय 6 और 7 कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेपरेट कर लीजिए, मतलब LHS पे सारे के सारे वेरिएबल के नंबर आ जाएं और RHS पे सारे कांस्टेंट के नंबर आ जाएं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो वेरिएबल टर्म नहीं जा रही राइट और या लेफ्ट में, उस टर्म को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्स फिर माइनस 8x बाय 3। अब राइट से ये नंबर लेफ्ट पे आ रहा है तो ये साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5x बाय 2। राइट साइड पे 17 अपॉन 6 है, 7 राइट में जा रहा है ट्रांसपोज होके, तो ये माइनस 7 हो जाएगा। तो ये स्टेप का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आप ट्रांसपोज कर रहे हैं उसे कोशिश कीजिए कि वो आप आखिर में लगाएं, नंबर से पहले नहीं लगा दें, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोजिशन में गलतियां हो सकती हैं। अब लेफ्ट साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरा एलसीएम है यहाँ पे 6। मैंने अपने कई वीडियो में आपको एलसीएम लेना सिखाया है। अब 6 को 1 से डिवाइड करिए तो 6 कोशेंट आएगा इंटू द न्यूमरेटर। यहां आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 कोशेंट आएगा और यहाँ पे 3 इंटू द न्यूमरेटर। मैं अपने सारे बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि स्टेप्स स्किप ना करें, क्योंकि उसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। 6 इंटू एक्स 6x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 6 और ये हो गया आपका 17 माइनस 42 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि राइट साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि होता क्या है, नहीं तो हमें बार बार लिखना पड़ता है, पूरे के पूरे चारों नंबर्स फिर से लिखने पड़ेंगे। तो 16 माइनस 6 माइनस 16x माइनस 10x और इसको इंटीजर के कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5x बाय 6। राइट साइड पे हम करेंगे 42 माइनस 17, ये 12, 5, 3, 1, 25। अब 25 बाय 6, लेकिन ध्यान दीजिए 42 नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस 25 बाय 6। इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि माइनस आएगा या प्लस, तो आप सब्ट्रैक्शन से पहले ही माइनस लगा के रख सकते हैं ताकि आप इस चीज को नहीं भूलें। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा हुआ है ताकि रिमेम्बरेंस रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू माइनस 25 बाय 6। अब इसमें पहले हम 6 को सेंड कर देते हैं राइट साइड पे, तो ये कैंसिल हो रहा है। फिर x को सेंड कर देते हैं, x को तो वहीं रखेंगे, 5 को सेंड कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये राइट साइड पे जाके डिवीजन हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट बच्चों, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लीनियर इक्वेशन में अगर आप चेकिंग भी करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस फैक्टर है, बट चेकिंग जब नहीं करनी है, जब एग्जाम में टाइम कम बच जाए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं आपको तब चेकिंग करनी है कि क्या जो मैंने आंसर्स निकाले हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो आइए एक बार चेकिंग भी करके देख लेते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो सही है कि गलत। यहाँ पे डालते हैं माइनस 5 प्लस 7 माइनस 8 इंटू 5
अपॉन थ्री। अच्छा यहाँ पे माइनस फाइव डालना है, ये माइनस प्लस की बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। माइनस फाइव प्लस सेवन आपका टू देगा, प्लस एट इंटू माइनस एट इंटू माइनस फाइव के तो प्लस हो गया 40/3। एलसीएम ले लीजिए तो थ्री आ गया, ये हो गया आपका सिक्स प्लस 40, 46/3 हमारा एलएचएस आ गया। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, हमारा एलएचएस हो गया 46/3। अब आरएचएस निकालने की कोशिश करते हैं, एलएचएस हमारा था 46/3 और आरएचएस है हमारा 17 - 6, 17/6, यहाँ डालेंगे -5/2 +25/2, एलसीएम 6, ये हो गया हमारा 25 * 3 विच इज 75, इसको ऐड कर लेते हैं 12 1 8 9, 92/6। तो उसको मैच करने के लिए देखिए थ्री डिनोमिनेटर है, कुछ कॉमन फैक्टर है, टू से कट भी कर लेते हैं, टू से कट किया तो दिस इज 4 एंड देन 12 6, तो ये बिल्कुल मैच करके हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला था वो करेक्ट है। तो एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, जब आपका टेस्ट होता है या एग्जाम होता है आपको यहीं तक लिखना है, बट आप अपने लिए रफ वर्क में चेकिंग जरूर कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.